नमस्कार, रियल गट्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल का ऊपर आज दो खुलासा आया है। एक तो खुलासा आया है, एक तो उनका जो चतुराई है ना, ये पकड़ में आया है। आज दिल्ली में 80% लोगों का पास जो पर्याप्त जल है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन उधर तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल सुबह शाम आम ठोस रहा है, मिठाई ठोस रहा है, चाय पे चाय पी रहा है। हालांकि उसको मालूम है वो शुगर का पेशेंट है, फिर भी दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के अनुसार एक रिपोर्ट आया है जिसमें क्लियरली ये दिखाया गया है कि दिल्ली में लास्ट 9 ईयर्स में केजरीवाल साहब ने ये जो जल बोर्ड है उनका पर जो कर्जा लिया है 73,000 करोड़, जिसमें से 28,400 करोड़ उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का नाम पर खर्च किया है। बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए वो कहता भी है। लेकिन सर्वे का जो रिपोर्ट है उसमें आया है लास्ट 9 ईयर्स में 80% लोगों को, जो आबादी है, उनको सही ढंग से पानी नहीं मिल रहा है। और लास्ट 9 ईयर्स में वहां जो पानी उत्पादन की जो क्षमता है ना, ये 4.4% ही बढ़ा है। और उसका अगेंस्ट में दिल्ली में लास्ट 9 ईयर्स में 50% पॉपुलेशन बढ़ा है। दिल्ली में रोजाना पानी की जो कमी है ना, आज का दिन में 290 MGD कम पड़ा हुआ है। लेकिन उधर तिहाड़ जेल का अंदर जो खुद एक सजा कट रहा है, दिल्ली लिकर स्कैम का किंग पिन है, वो मैंगो ठूस रहा है, स्वीट ठूस रहा है, चाय पे चाय पिया जा रहा है। उनका एक याचिका यानी एक एप्लीकेशन दिल्ली कोर्ट में उन्होंने सबमिट कर दिया। क्यों कर दिया? कि उनको जो रेगुलर डॉक्टर है केजरीवाल साहब का, उनसे कंसल्ट किया जाए, क्योंकि उनका जो ब्लड शुगर है ना, ये फ्लक्चुएट हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया है, शुगर का पेशेंट है, ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर का कंसल्ट लेना चाहिए। लेकिन ईडी का तरफ से जब वहां पर बयान दिया गया था उनका ब्लड शुगर का जो ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है क्यों हो रहा है, तब मालूम पड़ा कि ये आदमी सुबह शाम यानी ये जो उनका डाइट है वो फॉलो नहीं कर रहा है। भला दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जो खुद को मालूम है कि वो शुगर का पेशेंट है, फिर भी वो मैंगो ठूसे जा रहा है, स्वीट ठूसे जा रहा है, चाय पे चाय पिए जा रहा है? कोई नहीं करेगा, लेकिन केजरीवाल करेगा, क्योंकि ये धूर्त है। इनको बाहर आना है मेडिकल गाउन पर, दिखाना वही है मेरा हेल्थ खराब है, मुझे रिलीज कर दिए जज साहब मेडिकल गाउन पर। उसके बाद इलेक्शन प्रसार करना है, दिल्ली में फिर से स्कैम करना है, जिसे जल बोर्ड वाला अभी जो खुलासा हुआ, ये वही केजरीवाल था ना जिन्होंने बड़ा बड़ा फेंकता था। केजरीवाल फेंकने में मास्टर है, इनका ना आगे ना पीछे, सबसे आगे है केजरीवाल फेंकने में मास्टर। सुबह शाम आज दिल्ली में 80% लोगों को पर्याप्त जो जल है यह नहीं मिल रहा है, लेकिन इनका दिल्ली मॉडल बहुत ही बढ़िया है। इनका जो तोता है आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, आजकल तो संजय सिंह भी आ गया टिकट ब्लैकर, पहले कहता था दिल्ली लिकर स्कैम तो था ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये बीजेपी और ईडी का मिला हुआ एक साजिश है जिसमें केजरीवाल को फंसाया जा रहा। आज संजय सिंह जेल से बाहर आया बेल पर, उसके बाद कहता है ये तो बीजेपी ने किया, आम आदमी ने कुछ किया ही नहीं है। हालांकि जो एक्साइज पॉलिसी का जो परसेंट है इन्होंने बढ़ाया था, लेकिन फिर भी कहता है यहां कुछ नहीं हुआ। देखो, पॉलिटिक्स करना गलत बात नहीं है, लेकिन लालच के लिए पॉलिटिक्स करना, लोगों को गधा समझना, यह बहुत ही खतरनाक चीज होता है खुद के लिए, जो आज केजरीवाल का साथ हो रहा है। ईडी का तरफ से कोर्ट में क्लियरली कहा गया है कि जज साहब, हमने जेल अथॉरिटी को लिखा है कि इनका जो डाइट है ये क्या दिया जा रहा है, हमें एक बार उसका ऊपर अपडेट कीजिए, कौन सा मेडिसिन दिया जा रहा है ये हमें उसका ऊपर एक बार अपडेट कीजिए। क्योंकि ईडी ने पहले ही क्लियरली कहा था कि अप्रैल 1 से इसको घर से बनाया हुआ खाना ही दिया जाएगा, क्योंकि ये शुगर का पेशेंट हर किसी को मालूम है, खुद को भी मालूम है। इनका बीबी ने रोना धोना किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, शुगर लेवल का आतिशी मार लेना कहा था ना 4.5 किलो इसका लॉस्ट हुआ है, बाद में मालूम पड़ा 1 कितना किलो बढ़ा है। झूठ बोलने में और लोगों को गधा बनाने में ये लोग बहुत मास्टर है, आम आदमी पार्टी। देखो, ये बहुत दूर की बात नहीं है, कुछ दिनों के बाद ये पार्टी कंप्लीटली साफ हो जाएगा।
ऐसा पार्टी पॉलिटिक्स का नाम पर देश के लिए खतरा होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, आप सोच नहीं सकते हो। अगर खुद को वो बंदे को मालूम है कि मेरा पास शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, फिर भी मैं मैंगो ठूस रहा हूँ, स्वीट ठूस रहा हूँ, चाय पे चाय पी रहा हूँ, तो आप सोचो कहाँ तक ये आदमी क्या कर सकता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी पावर का जो लालच है ना उसको पाने के लिए। इसीलिए ईडी ने कहा है कि साहब इनको तो घर का खाना दिया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा ये सारा आम से लेकर मिठाई से लेकर चाय तक ये ठूस रहा है, तो इनका तो शुगर फ्लक्चुएट होना जाहिर सी बात है, फिर भी हम देखेंगे। तो कोर्ट ने भी कहा है कि इसका ऊपर जो सुनवाई है कल होगा, कल दोपहर 2 बजे इसका ऊपर सुनवाई होगा। अब देखो क्या होता है, कोर्ट का जो भी फैसला है वो दिखा जाएगा, सुना जाएगा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने तो पहले ही कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल इस केस में इन्वॉल्व है, इनको जो अरेस्ट किया गया है बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती एजेंसियों का नहीं है। तो देखो कल क्या होता है। लेकिन हाँ, उसी कल से याद आया कि कल से पहला फेज का जो मतदान है ये होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको वोटिंग करने के लिए जाने से पहले सोच समझ के करना है। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना, आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।